हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ में अगेन निशा हॉल लेकर के आ गई हूँ। और आज का जो हॉल वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ज्यादा खूबसूरत सा छोटू मोटू सा हॉल वीडियो होने वाला है गाइस। आज मैं आप लोग सभी शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल साड़ी का हॉल, या फिर आप इसे किसी भी फेस्टिवल वगैरह में पहन सकते हैं। पूरा देखना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट जरूर करना, प्यारे प्यारे से कमेंट करना। और गाइस प्लीज प्लीज प्लीज, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपके एक एक सब्सक्राइब से ना मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के हॉल की जो फर्स्ट साड़ी है ना गाइस, वो ये है, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी है गाइस। और सच बताओ आज के इस हॉल वीडियो की ना मेरी ये फेवरेट साड़ी भी है। तो चलो इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आप लोग को कैसा रिसीव हुआ। बाकी मैं तो इसे ओपन करके चेक कर ली हूँ, और इसका कैटलॉग वगैरह सब कुछ आपको साइट में मिल जाएगा, और इसका लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख बार। सो गाइस, इस साड़ी में ना कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो कम पसंद आए या जो थोड़ा बहुत पसंद आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हर एक पार्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से इसे बनाया गया है। वर्क वगैरह देखिए गाइस, ये है आपका आंचल का पार्ट। सो आंचल में देखो ऊपर साइड में कुछ इस टाइप से ना जरी और सीक्वेंस का आपको वर्क मिल जाएगा कॉपर कलर में, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा है गाइस। और ये साइड का पार्ट है आंचल का, ये कुछ ऐसा सा। और आंचल के नीचे साइड में ना आपको इस टाइप से वर्क का डिटेलिंग मिल जाएगा, प्लस ऐसा ना आपको टैसल इसमें लगा हुआ है जो कि स्टिच्ड है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा है गाइस। ये ना आंचल के नीचे साइड में ये आएगा। और गाइस ये ना मरून कलर में है, तो मरून और गोल्डन का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत प्यारा लगता है, और हर स्किन टोन पे बहुत प्यारा लगता है। सो गाइस ये देखिए, ये पूरा ना आंचल है, और नीचे साइड में आपको इस टाइप से डिटेलिंग मिल जाएगा, ये आंचल वाला पार्ट है ठीक है। फिर उसके बाद में ना ये पूरा आपको सिंपल सा ऐसा मिलेगा, ये देखिए ऐसा सा है ये पूरा ऊपर साइड में। नीचे साइड में जहाँ पे फॉल वगैरह लगता है ना, वहां पे आपको इस टाइप से फ्रिल का डिटेलिंग मिल जाएगा, और इस टाइप से हैवी वर्क है जो कि जरी और सीक्वेंस का वर्क है, बहुत ही प्यारा सा खूब आप सॉफ्ट सिल्क टाइप की साड़ी बोल सकते हो। बहुत ही अच्छी सी है, लाइट वेट सी है, कंफर्टेबल, आप इसे आराम से पहन सकते हो, इजीली ड्रेप हो जाएगी। और गाइस इस साड़ी का जो और भी ज्यादा खूबसूरत वाला पार्ट है ना गाइस, वो है इसका ब्लाउज। बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ना, आपको मस्टर्ड येलो कलर में, या फिर आप कॉपर टाइप का कलर बोल सकते हो, इसमें आपको सिल्क के फैब्रिक का ब्लाउज मिल जाएगा। ये ना आपका नेक का डिटेलिंग है, यहाँ पे एक साइड में ना आपको वर्क मिलेगा, और ये बैक साइड का है, बैक साइड में भी ना आपको एक साइड में वर्क मिलेगा। तो आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टिच करा सकते हो। और ये छोटा छोटा सा और दिया हुआ है, शायद ये ना आपके स्लीव पर आएगा, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा है। दोनों ही साइड, दोनों ही हैंड के लिए इस टाइप से वर्क आपको, एक मिनट, इस टाइप से वर्क आपको मिल जाएगा दोनों ही हैंड। तो गाइस इस साड़ी के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, प्राइस भी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप ये लोकल मार्केट से खरीदोगे ना गाइस, तो सीधा डबल रेट में आपको ये मिलेगा, और ये मीशो में बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है गाइस। तो इससे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसके साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं। चलो सेकंड साड़ी देख लेते हैं हमारी, वो कैसी रिसीव हुई है। जो नेक्स्ट साड़ी है ना, वो कुछ इस तरह से मुझे रिसीव हुई है, इसका कैटलॉग मैं आपको साइड में लगा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। कैटलॉग में कितना प्यारा सा खूबसूरत सा लग रहा था, और ये कैटलॉग ना मैं फर्स्ट टाइम देखी थी मीशो पे, सो मैंने इसे तुरंत ही ऑर्डर कर दिया, मतलब न्यू अराइवल था ये साड़ी, सो मैंने इसे ऑर्डर किया। तो कैटलॉग में ना गाइस, मुझे ना देख करके ऐसा लग रहा था कि शायद ये वर्क डिटेलिंग वाला होगा, हल्का फुल्का कुछ वर्क होगा इस टाइप से लग रहा था, बट ये ना सिंपल सी जॉर्जेट की साड़ी आपको मिल जाएगी। कलर बहुत ही प्यारा सा है, फिर आपको इस टाइप से लेस का डिटेलिंग मिल जाएगा, बॉर्डर लगा हुआ है, और ये बहुत ही सुंदर सी सॉफ्ट सी साड़ी है, बहुत ज्यादा अच्छी, एकदम मलाई की तरह इसका फैब्रिक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, और कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा है। करवा चौथ के दिन पहनने के लिए तो ये साड़ी नहीं है, बट हाँ आप इसे डेली यूज में पहन सकते हैं, या फिर छोटे मोटे किसी भी फंक्शन में आप इसे पहन सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और गाइस इसका ब्लाउज का फैब्रिक जो है ना बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, 1 मीटर का आपको ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, सिल्क का फैब्रिक है, और यहाँ पे आपको ऐसा लेस का डिटेलिंग मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट साड़ी देख लेते हैं हमारी, वो कैसी रिसीव हुई है।
बेस्ट साड़ी है ना गाइस, वो भी आज की इस हॉल वीडियो की मेरी फेवरेट साड़ी है और इसे तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। करवा चौथ के लिए परफेक्ट है, जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सा ऑप्शन रहेगा, आप इसके साथ जा सकते हो। तो ये है इसका आंचल वाला पार्ट, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा सा ना बॉर्डर वाला डिटेलिंग मिल जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से टैसल लगे हुए हैं, ये देखिए रेड कलर में टैसल लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी है गाइस ये साड़ी। तो इस साड़ी को भी ना मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसके साथ में जा सकते हैं गाइस। अगर आपके पास समय है ना तो आप इसे अभी ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपको आराम से करवा चौथ के पहले मिल जाएगी और आप इसका ब्लाउज भी आराम से बनवा लोगे। तो गाइस ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, इस टाइप की साड़ी ना आप पहन लो और कोई भी एडी की ज्वेलरी वगैरह डाल लो, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा लुक आएगा। तो साड़ी कुछ ऐसी सी है, पूरी पूरी साड़ी में आपको ना फॉइल प्रिंट मिल जाएगा और गाइस इसमें तो ब्लाउज का कोई अलग से पार्ट नहीं दिख रहा, मुझे लगता है ना इसी में से आपको ब्लाउज का फैब्रिक निकालना होगा। तो गाइस इस साड़ी को मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छी है। बस ये सिल्वर प्रिंट के बारे में मैं ज्यादा गारंटी नहीं दे सकती कि ये जल्दी निकलेगा, कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर बोलूंगी कि इजीली तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि एक दो बार पहने और निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस इस साड़ी के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, न्यू अराइवल भी है ये करवा चौथ के लिए लक्ष्मी पूजा के लिए परफेक्ट है। तो नेक्स्ट जो साड़ी है ना गाइस वो ये है, पूरी कलरफुल सी साड़ी है, जैसा कैटलॉग में दिख रहा था ना सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे ना आपको देखो इस टाइप से टैसल मिल जाएगा और बीच बीच में ना आपको ऐसे सीक्वेंस वाला ना वर्क डिटेलिंग देखने के लिए मिल जाएगा कुछ ऐसा सा, ये देखिए ऐसा, और नीचे साइड में ना आपको देखो कुछ ऐसा सा कट वर्क में ऐसा डिटेलिंग मिल जाएगा आर्टिफिशियल मिरर वाला और थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी के साथ में ना कुछ इस टाइप से वर्क मिल जाएगा, ये पूरा नीचे साइड में आपको मिलेगा, ये वर्क जो है ना ये पूरा आपको नीचे साइड मिलेगा, बाकी ऊपर साइड में ना साड़ी कुछ ऐसी सी है ऐसा, बहुत ही सुंदर सा कलरफुल सी है साड़ी। फैब्रिक अच्छा सा सॉफ्ट सा जॉर्जेट का फैब्रिक है, बहुत सुंदर सी लग रही है साड़ी गाइज। ये ना ये किसी भी आपके फेस्टिवल वगैरह के लिए परफेक्ट है, तो आप इसके साथ में जा सकते हो, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। पिंक एंड ब्लू एंड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में है और कंफर्टेबल सी साड़ी है, फुल डे आप इसे कैरी कर सकते हैं, लेंथ वगैरह साड़ी की परफेक्ट है। और गाइज ये है इसका ब्लाउज ना आपको ऑरेंज कलर में मिल जाएगा, सॉलिड कलर में कुछ ऐसा सा, जॉर्जेट का फैब्रिक है, साड़ी में ही अटैच है, या फिर आप इसे बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास में कोई ब्लाउज हो तो आप उसके साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं, प्राइस वगैरह भी ठीक है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट साड़ी है ना वो ये पर्पल कलर की साड़ी है, ये भी बहुत ज्यादा खूबसूरत सी है, चलो इसको ओपन करके दिखाती हूँ, बाकी कैटलॉग वगैरह सब कुछ आपको सामने मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पहले तो देख लो इस साड़ी में ना आपको कुछ इस टाइप से दो टैसल मिल जाएंगे ब्लाउज के डोरी में लगाने के लिए ऐसा सा। चलो अब साड़ी देख लेते हैं गाइस, साड़ी कुछ ना देखो कलर इसका कुछ ऐसा सा है, पर्पल सा कलर है। तो पहले तो इसका ब्लाउज देख लो, ब्लाउज आपको सिंपल सा ना सिल्क का फैब्रिक का मिल जाएगा, ये 1 मीटर के अराउंड आपको ना ब्लाउज का फैब्रिक मिल जाएगा, सिल्क का है, बहुत ही प्यारा सा अच्छा है, इनर अस्तर लगा करके आप इसका ब्लाउज बना सकते हैं। साड़ी जो है ना गाइस बहुत ही तड़कती भड़कती साड़ी है, ये कुछ इस टाइप की साड़ी है गाइस, पूरा ना फुली सीक्वेंस और थ्रेड का वर्क मिल जाएगा, बड़े बड़े से फ्लावर पत्ती इस टाइप से बने हुए, रोज बना हुआ है कुछ ऐसा सा, पूरी साड़ी में आपको हैवी वर्क मिल जाएगा, ये आंचल का पार्ट है, देखो यहाँ पे ना आपको ऐसा एक मिनट गाइज, यहाँ पे ना आपको ऐसा रोज वाला डिटेलिंग मिल जाएगा, पूरा ये वर्क है, साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट का फैब्रिक मिल जाएगा, पूरा इसमें ना छोटे छोटे वाले ना सीक्वेंस का वर्क है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है वैसे तो, बाकी ना कई लोग इतना हैवी सा पहनना पसंद नहीं करते हैं, इसको देख करके ना मुझे ऐसा ना पुराना वाला फैशन याद आ रहा था, तो मुझे तो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया गाइस, क्योंकि ना मेरे को इस टाइप की साड़ियां नहीं पसंद एकदम ज्यादा भरी भरी, बाकी सबकी चॉइस अलग होती है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं, बाकी मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ कि ये किस टाइप की है।
साड़ी का क्वालिटी वर्क बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन है और फैब्रिक वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो जिस हिसाब से इसमें काम हुआ है उसके हिसाब से तो अफोर्डेबल है, वर्थ इट है। आपको पसंद आ रहा है तो आप इसके साथ में बिंदास जा सकते हैं। तो गाइस ये था आज की साड़ी का हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सी साड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और नेक्स्ट आप कौन सा हॉल वीडियो देखना चाहते ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया से हॉल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।